हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर आप कैसे ब्लूटिक क्रिएट करेंगे, यानी कि कैसे ब्लूटिक छीन सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं छीन सकते हैं। तो वो ब्लूटिक लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूँ इस ब्लूटिक को लेने से फायदे क्या हैं। इस ब्लूटिक को लेने से आपका इंस्टाग्राम के अंदर अकाउंट होगा ना, एक तरह का अलग ही फेम बटोरेगा भाई। जो लोग भी आपको जानते हैं वो लोग आपसे जरूर एक बार पूछेंगे कि भाई ये ब्लूटिक तूने कैसे लिया या फिर कैसे क्रिएट किया। तो भाई उन लोगों को आपको क्या करना है, सिंपली मेरी वीडियो जो है शेयर कर देनी है, वो लोग भी समझ जाएंगे कैसे ब्लूटिक लिया जाता है। एंड दूसरी बात करें कि आप जो भी पोस्ट करोगे उस पोस्ट के ऊपर आपका प्रोफाइल आएगा, एंड जैसे ही आपका प्रोफाइल आएगा ब्लूटिक दिखेगा तो भाई उस पोस्ट के नीचे कमेंट इतना आएगा भाई कि आप सोच नहीं सकते हो। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, उस ब्लूटिक को कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको क्रोम दिख रहा होगा, क्रोम पर क्लिक कर देना या फिर आप गूगल में भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च बार में क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इंस्टा सेलिब्रिटी टिक एपीके, मैं पहले से ही टाइप कर रखा था, इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपको नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, दूसरे नंबर पर जो है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक एप्लीकेशन शो होगा, इस एप्लीकेशन को सिंपली आपको क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। फिर 2 MB का एप्लीकेशन आप सिंपली यूज कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड नीचे आपको आना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्टा सेलिब्रिटी टिक एपीके 1.3 एपीके, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ एड्स होगा, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का मुझे इंटरफेस हो रहा है कि मैं दोबारा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मुझे दोबारा नहीं करना है, मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। अब चलता हूँ उस एप्लीकेशन में, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसमें अपने प्रोफाइल पर ब्लूटिक क्रिएट करेंगे। तो सिंपली उस एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इंस्टा सेलिब्रिटी टिक देखिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तीसरे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम गैलरी से मतलब है, ठीक है। इंस्टाग्राम DM कर देना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यूजर नेम मांग रहा है। अब यूजर नेम आप सोच रहे होंगे यार इंस्टाग्राम का यूजर नेम इसमें डालना पड़ेगा, नहीं भाई, आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना निक नेम डाल सकते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड का नाम डाल सकते हो। चलिए मैं राहुल लिख देता हूँ। तो उसके बाद शो फोटो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इसको साइड में कुछ इस तरह से रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। आपको आ जाना है पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब में जाने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, वहाँ से एक फ़ोटो ले लेना है अपने गैलरी से, आप जिस भी प्रोफाइल पर लगाना चाहते हो उसका एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो जो है PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने प्रोफाइल के लिए। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपका जो है प्रोफाइल क्रिएट होने वाला है, राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। इसे सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। तो कुछ बड़ा कर देना है इसको, बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर देखिए बैक में कॉपी, आप अपने फ़ोटो को जो है सामने लाना चाहते हो तो फ़ोटो पर क्लिक कर दें, फ़ोटो को फ्रंट में कर देना हो, ओके। अब आपका कुछ इस तरह से फ़ोटो क्रिएट होने वाला है, इस तरह से इसे आपको सेट कर लेना है। प्रोफाइल को आपको नीचे कर देना है, नीचे करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ स्ट्रोक में, स्ट्रोक में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद इसे ऑन कर देना है। एंड रेड कलर का जो है स्ट्रोक आपको क्लिक कर देना है, एंड उसे थोड़ा इस तरह बढ़ा देना है नीचे की ओर, ठीक है, स्ट्रोक विड्थ बढ़ा देना है इसका, उसके बाद आपका जो है सेट हो जाएगा। अब आपको एक और काम करना है, यहाँ पर देखिए शैडो है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से शैडो आपका दिखने लगेगा। एंड इनर शैडो, अंदर का शैडो भी आप दे सकते हो कुछ इस तरह से, एंड इसे इस तरह बढ़ा देना है आपको, एंड राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने PNG को इसके ऊपर रखना है, ठीक है, आपको +1 आइकन पर क्लिक करके वहाँ से वो ब्लूटिक वाला PNG ले लेना जिसे आपने पहले डाउनलोड कर रखा था, सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह से इसे सेट कर सकते हो, सेट होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड सेव इमेज पर क्लिक कर लेना है। एंड सिंपली आपको जाना है इंस्टाग्राम अकाउंट में, वहाँ पर आपको प्रोफाइल को आपको सेव कर लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।